Assalamualaikum ji, I hope you all are doing good and welcome to all of you on my YouTube channel. So जो आज का टॉपिक मैं लेके आया हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि दिलचस्पी रखते हैं, जिनका इंटरेस्ट है एजुकेशन के लिए बाहर आने का जी। तो जो लोग यूके आके स्टडी करना चाहते हैं, जो बैचलर्स करने आना चाहते हैं, उनके लिए मिनिमम उनकी एजुकेशन इंटर होनी चाहिए और वो किसी फाउंडेशन कोर्स में यहाँ पे आके एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट उनको यूनिवर्सिटी में किसी कोर्स में बैचलर्स में एडमिशन नहीं मिल सकता, उनको पहले आइट्स या कोई भी यूनिवर्सिटी का इंटरनल कोर्स वो करना पड़ेगा, तो फिर वो डिग्री के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसी तरह जो लोग मास्टर्स के लिए आना चाहते हैं जिन्होंने बैचलर्स किया हुआ है, सेम उनको आइट्स या यूनिवर्सिटी का इंटरनल टेस्ट उनको देना पड़ता है, या फिर उसके साथ पैरेलल और काफ़ी दूसरे सारे टेस्ट हैं जो यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं। आप इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से वो देख लें उनके वेबसाइट्स पे जाके कि यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन से टेस्ट एक्सेप्ट करती हैं, तो वो टेस्ट वगैरह आप अटेम्प्ट करके यूके के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स की जो फीस यहाँ पे वेरी करती है वो तकरीबन 13,000 से 15,000 पाउंड के दरमियान इतनी फीस आपको जो है यहाँ पे कॉस्ट आएगी मास्टर्स के लिए। और इधर का मास्टर्स जो है यूके का, आपको ये एक बेनिफिट मिल सकता है कि यूके का मास्टर्स एक साल का है, कंपैरेटिवली बाहर अगर आप ऑस्ट्रेलिया वगैरह में देखते हैं तो मास्टर 2 ईयर्स का है। एक साल के मास्टर्स के बाद आपको 2 साल का PSW मिल जाता है, जो कि मास्टर्स के लिए स्टूडेंट आते हैं। जो लोग बैचलर्स के लिए आते हैं उनका ये है कि पहले उनको फाउंडेशन के लिए आना पड़ेगा, फाउंडेशन कोर्स पे आएंगे, जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है वो फाउंडेशन कोर्स करेंगे, फाउंडेशन के बाद उनको डिग्री में किसी में एनरोल होना पड़ेगा। डिग्री उनकी बैचलर्स इधर 4 साल का नहीं है, 3 साल का बैचलर है यहाँ पे, तो वो बैचलर करेंगे 3 साल का। आफ्टर 3 ईयर्स उनको 2 साल का PSW मिलेगा। PSW में आपको कोई भी अपनी फील्ड रिलेटेड जॉब सिक्योर करनी होगी, अगर आप वो जॉब सिक्योर करते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए, अगर उस कंपनी के पास लाइसेंस है। तो ये एक ओवरव्यू है इधर के सिस्टम का। अब बात आती है कि आप यहाँ आके क्या क्या डिफ़िकल्टीज आपको फेस करना पड़ेंगी, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें पहले यूके आने से पहले मैं खुद ये यूट्यूब्स पे वगैरह पे देखता था, बड़ी हेल्पफुल वीडियोस थी, काफ़ी सारे लोगों की मैंने वीडियोस देखी हैं, तो मैं खुद यहाँ आया हूँ, जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं खुद, मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए, वीडियो बना के और जो भी स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं उनके लिए, ताकि आसानी पैदा करूँ। तो उसके बाद जो लोग यहाँ पे आते हैं इधर आके, यूनिवर्सिटीज़ यहाँ की काफ़ी थोड़ा स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ यूके की स्पेशली, तो एजुकेशन सिस्टम भी जो हमारा पाकिस्तान इंडिया या एशियन कंट्रीज़ का है वो थोड़ा और है, यहाँ पे रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन है। तो जी जो स्टूडेंट्स बैचलर्स के लिए आना चाहते हैं स्पेशली, उनके लिए ये है कि उनकी 3 साल की पर ईयर, अगर मैं अगर पर ईयर के हिसाब से एवरेज निकालूँ तो अगर 13,000 पाउंड के हिसाब से वो 3 साल की फ़ीस लगाएं तो, और फाउंडेशन कोर्स की भी इतनी फ़ीस 13,000 से 14,000 कॉस्ट आएगी, तो इनकी रैंडमली अगर फ़ीस हम देखें 4 साल की, तो ये अराउंड 50,000 फ़ी आपकी आएगी। तो यहाँ पे लोग ये है कि साल में पैसे अपनी पूरी फ़ीस तो नहीं, आधी फ़ीस लोग अर्न कर सकते हैं अपनी लिविंग के साथ साथ और अपनी एजुकेशन के साथ साथ यहाँ पे लोग करते हैं, तो वो हर बंदे के अपने उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना हार्ड वर्क करते हैं। तो उसके बाद एजुकेशन के बाद ये कि PSW मिल जाता है, PSW पे फिर आपको 40 आवर्स या जितना भी मैक्सिमम आप काम कर सकते हैं आपको अलाउ होता है, एज ए जिस तरह यहाँ पे नेशनल्स काम करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे वेज रेट जो यूके का चल रहा है वो 9.50 है, और किसी जगह पे कोई कोई 9.75 देते हैं, और हर मतलब एक जो नेशनल वेज रेट है वो 9.50 या 9.75 ही है, और आप अगर हेल्थ सेक्टर में जाते हैं तो फिर वहाँ पे रेट आपको अच्छा भी मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी एजुकेशन के हवाले से और कुछ थी जॉब के हवाले से। तो जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, इनटेक जनवरी में और सितंबर में, 2 इनटेक्स होती हैं इनकी, मेरे ख्याल में एक मई में भी इनका इनटेक चल रहा है, तो आप अगर यहाँ पे आना चाहते हैं, आपका बजट है, यूनिवर्सिटी सर्च करें और यूट्यूब से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, जाके चेक करें वीडियोस। जी अब बात आ जाती है यहाँ पे लिविंग कॉस्ट वगैरह की और जो आपके अदर एक्सटर्नल एक्सपेंसेस हैं उसकी।
तो एक्सटर्नल एक्सपेंसेस जो आपका, अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन में रहते हैं, अगर लंदन में रहते हैं तो एक्सपेंस ज़्यादा आएगा। मैं लंदन में रहा हूँ पूरा साल, तो एक्सपेंस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं, आपको जॉब भी अच्छी अच्छे वेज पे मिल सकती है कंपैरेटिवली। अगर आप छोटे शहरों में, जो कि छोटे सिटीज़ में आएंगे, तो जॉब थोड़ी सी डिफ़िकल्ट मिलेगी और आपको, लेकिन यह है कि अकोमोडेशन चीपर होगी और आपका फूड भी वहाँ पर चीपर मिलेगा आपको। उसके बाद अगर आप कहते हैं कि अकोमोडेशन, आप शेयर्ड अकोमोडेशन लेते हैं, तो आपको अराउंड 300 से 400 में शेयर अकोमोडेशन मिल जाएगी लंदन में, 400 पर हेड। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इंडिविजुअल कोई स्टूडियो अपार्टमेंट या फ्लैट वगैरह देखूं, तो वो फिर 1000 pounds के करीब आपको इतना पे करना पड़ेगा। अगर आप लंदन से बाहर आते हैं, बर्मिंगम आते हैं या मैनचेस्टर या किसी भी और जगह, इन सिटीज़ में आते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे जो आपकी अकोमोडेशन है वो आपको चीपर मिल जाती है। 300, 400, 500 में आपको अच्छा रूम मिल जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट भी मैं अपने YouTube चैनल पे इस तरह की वीडियोस डालता रहूँगा, और जो कि नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हों। तो थैंक यू सो मच।